चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है सनस्क्रीन के बारे में, कि यहाँ पे सनस्क्रीन लगाना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। एंड हाँ, तो यहाँ पे मैं एक और कंपैरिजन भी करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ VlCC रेडियंस प्रो सनस्क्रीन जेल और यहाँ पे VlCC की मैट लुक डी पिगमेंटेशन सनस्क्रीन जेल क्रीम। तो इन दोनों का हम आज कंपैरिजन भी करने वाले हैं। सबसे इन दोनों में से बेटर कौन है, सन ब्लॉक और सनस्क्रीन में क्या अंतर होता है, और हम सारी बातें जानने वाले हैं रिगार्डिंग सनस्क्रीन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। पहले बात करें सनस्क्रीन लगाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जो सनस्क्रीन लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम जैसे कि अगर धूप हमारी स्किन में जब डायरेक्टली हमारी स्किन पर जाती है तो उससे हमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और साथ साथ कई केसेस में तो आपको पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर उससे आपकी स्किन को वो इंटरनली आपकी स्किन को ख़राब करना शुरू कर देती है। और इससे मतलब जो यूवी बी रेज होती है ना, उससे आपको स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए सनस्क्रीन लगाना इंपॉर्टेंट होता है, और टैनिंग भी ऑफकोर्स हो ही जाती है। तो हमें इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना एज अ मस्ट एंड मस्ट एंड मस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो सनस्क्रीन होती है ना, वो एक ऐसा लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर जो जैसे कि जो सनलाइट है वो हमारी स्किन पे आ भी रही है, तो भले ही वो जितनी देर में आ जाए, ठीक है, लेकिन वो हमें इतना हार्म नहीं करेगी वो। और फिर हम अगर बात करें सन ब्लॉक की, तो सन जो है ना वो हमारी स्किन ना इंटरनली जाने नहीं देगा। अगर हमने सन ब्लॉक अप्लाई करा है तो जो सनलाइट है ना वो आपकी स्किन पे जा ही नहीं पाएगी, वो आपकी स्किन तक आके वो ब्लॉक हो जाएगी। मतलब आपको पता होगा ना, ब्लॉक तो बिल्कुल वो आपकी स्किन तक जा ही नहीं पाएगी। यानी सनस्क्रीन में क्या है, रेज आपकी स्किन पे आ रही है लेकिन कुछ हार्म नहीं कर पा रही है क्योंकि आपने सनस्क्रीन लगा रखी है। अब इन दोनों में से बेटर कौन है, देखिए वो डिपेंड करता है आपके स्किन टाइप पर, आप पे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पर सनस्क्रीन ही यूज़ कर रही हूँ, सन ब्लॉक मैंने कभी यूज़ करा नहीं है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि सन ब्लॉक भी काफ़ी अच्छा है भाई, आपकी स्किन को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, तो यू शुड गो फॉर वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपैरिजन पे। तो यहाँ पर दोनों सेम ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, अब इनमें क्या क्या डिफरेंसेज हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेज हैं, वो मैं आपका साथ शेयर करने वाली हूँ। और समर्स के लिए कौन सी अच्छी इन दोनों में से है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आर कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो मैं यूज़ करती हूँ वो है, मेरे पास यहाँ पर रेडियंस प्रो सनस्क्रीन जेल, ये है SPF 30 PA++। और इसकी जो फीचर्स हैं, ये क्लेम करता है कि ये ऑयल कंट्रोल है, ये आपकी रेडियंस को बूस्ट करता है, आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, और ये पैराबेन फ्री है, और इसमें जो है वो ग्रेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स है। ये आपको UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट करता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो मैं बोलना चाहूँगी, वो इसकी जो कॉस्ट है वो है 180 रुपीज़ 350। ठीक है, और हाँ, यहाँ तक मैं बात करूँगा आप दूसरे सनस्क्रीन की, जो मेरे पास है मैट लुक सनस्क्रीन जेल क्रीम वाली है, तो वो है, ये क्लेम करती है कि फीचर है, वो है टेंटेड फॉर्मूला, नॉन ग्रीसी मैट लुक एंड रिड्यूस पिगमेंटेशन। तो पिगमेंटेशन आपकी दोनों ही रिड्यूस करती हैं, दोनों ही पैराबेन फ्री हैं। और इसमें दूसरी वाली में इसमें है कैरेट एक्सट्रैक्ट्स, और इसकी जो प्राइस है वो है 295 रुपीज़। तो प्राइस का अगर हम देखा जाए, दोनों का साइज जो है वो एक है, दोनों की जो क्वांटिटी है वो एक ही है, लेकिन जो प्राइस है ज़्यादा वो इसका रेडियंस प्रो वाली का ज़्यादा है। और जो अफोर्डेबल है, मतलब अफोर्डेबल तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इट्स ₹350, बिकॉज 300 से अब जा रही है ये, तो इसका ये माइनस पॉइंट मुझे लगता है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा मुझे हाईली एक्सपेंसिव लगती है सनस्क्रीन के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें इस डी पिगमेंटेशन दूसरी वाली सनस्क्रीन की, जो जेल क्रीम में, जो क्रीम फॉर्म में है, उसकी जो प्राइस है वो 295 रुपीज़ है। तो बहुत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इन प्राइस में। अगर हम बात करें दोनों के टेक्सचर की, तो अगर हम बात करें उस क्रीम वाले के टेक्सचर में, तो ऑफकोर्स इसकी डी तो इसमें है टेंटेड फॉर्मूला, तो मतलब इसका जो आप देख सकते हैं ये वाइट कलर में नहीं है, ये है क्रीम कलर में। जैसे कि जो बीबी क्रीम आती है उस टाइप का इसका बिल्कुल टेक्स्चर लगता है मुझे। तो अगर आप ज़्यादा मेकअप प्रेफर नहीं करते हो तो आप इस वाली सनस्क्रीन को प्रेफर कर सकती हो, और ये आपकी स्किन में बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। एंड समर्स के लिए बात करूँ, समर्स के लिए कौन सी अच्छी है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी समर्स में जेल ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज समर्स हमारी स्किन, समर्स में हमारी जो स्किन होती है वो ज़्यादा ऑयल
ऑयल से ग्रीट करती है, स्वेट इतना ज़्यादा आ रहा होता है, तो ऑफकोर्स ऑयल वाला आप जेल वाले भी जा सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ प्राइस के पॉइंट से और इसके ऑल ओवर रिव्यू के बेस पे, तो यहाँ पे आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि अगर आपकी एक्सेसिव ऑयली स्किन है सो यू शुड गो फॉर द जेल सनस्क्रीन। ठीक है, आप इसको मत यूज़ करना अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है, तो एक्सेसिव ऑयली स्किन है तो ठीक है, वरना ऐसे वरना मुझे ऐसे ऐसे की प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही अपने बहुत ही बढ़िया सनस्क्रीन है। हाँ बस प्राइस की वजह थोड़ा सा मुझे इसमें लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा मतलब महंगी है, बिकॉज इन कंपेरिजन द गर्ड, बिकॉज दोनों का जो क्वान्टिटी है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो या डैट्स अबाउट दिस वीडियो, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सो जस्ट डोंट डेयर इवन टू थिंक। सो बाय बाय गाइस, सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन को भी प्रेस कर देना, और जो इस वीडियो को भी ना लाइक कर देना, और आप देख सकते हो कि मेरे बारे में शाइन लग रही होगी आप लोगों को, तो यस इसका भी मैंने एक वीडियो शूट करा है, बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है, शायद से मैं शायद अपलोड हो गया होगा पता नहीं, बट लेकिन मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी अपलोड करने के दोनों वीडियोस को, बैक टू बैक शूट कर रही हूँ वीडियो, देखो बहुत दिन से वीडियो आए नहीं थे, कल ही मैंने अपना ब्लॉग पोस्ट करा था, अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है जस्ट गो वॉच माई ब्लॉग राइट नाउ एंड बाय बाय। और मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज करी है, आपने चेकआउट करा ही नहीं करा है, जस्ट लाइक दिस, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, सो बाय।